फिरकी ले ले फिरकी। ऋषि भाई को मैं इतनी देर तक कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ बोल लो। बड़ी लाइट लगाई हुई है। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने कल फेसबुक पे एक स्टोरी लगाई थी कि किस किस को हरिद्वार की सुंदरता देखनी है, तो भाई रिएक्ट करके बताओ। तो रिएक्ट बहुत ज़्यादा आए मेरे पास, तो मैं आज के दिन ही निकल लिया था, आज शाम घर से निकल गया था हरिद्वार के लिए। और फिर अब जाके हम पहुँच गए हैं हरिद्वार, और यहाँ की डेकोरेशन जो मंदिर सजाए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से सजाए हुए हैं। और आज हमारे साथ ब्लॉग में है ऋषि वाले भाई, जो कि धार्मिक काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और हर धार्मिक काम में अपने पूरा सहयोग देते हैं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आज यही भाई हमें हरिद्वार लेके आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अभी पहुँचे हैं हम हरिद्वार पर, तो मेरे साथ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ इतनी साफ सफाई, आज बहुत ज़्यादा साफ सफाई है और हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है, और मैंने मास्क नहीं लगाया है तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है तो ये हमें मास्क जरूर लगाना पड़ेगा। ये तो देखो रूल्स है, ये सबको मानने हैं, ये हम भी मानते हैं। और जितने भी यात्री हैं सब यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं, सबको अलाउड है। ये देखो यहाँ पर खिलौने बिक रहे हैं, रिशू लेगा फिरकी ले ले फिरकी। ऋषि भाई को मैं इतनी देर तक कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ बोल लो कुछ बोल लो कुछ बोल लो, बट कह रहा है कि वहाँ पे जाके बोलेंगे। भाई साहब आगे देखो, ये कितनी बड़ी लाइट लगाई हुई है, इसकी वजह से रोशनी इतनी ज़्यादा है, पूछो मत। हाँ जी वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत, बहुत। कैसा लग रहा है वालिया जी आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है हरिद्वार देख के। आज मैं हरिद्वार कम से कम 6-7 महीने बाद आया हूँ, और हरिद्वार पूरा अच्छी, मतलब साफ सफाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे वाले? सफाई बिल्कुल अच्छी चीज़ है, जो हमारे मेला अधिकारी हैं वो स्वच्छता पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जैसे आप देखते हैं गंदगी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल जानते हैं कि हरिद्वार में जो यात्री आते हैं ना, नहाने के बाद अपने कच्चे बलियान ही छोड़ देते हैं, सरकार ने उनके लिए डस्टबिन रख दिए काफ़ी इस बार, उसमें जो यात्री आए तो वो यहाँ पे जा सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बिल्कुल। और भाई जब भी आप कभी आते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें, आप कुछ भी ऐसी मतलब ऐसा, ये देखिए यहाँ पे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपनी चीज़ जो भी चीज़ आप लेके आए आप उसके लिए अपने थैला लेके आए उसमें रख लें, पर ऐसा गंदा मत करें क्योंकि ये देवभूमि है, देव तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम इसको साफ रखें और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करें। क्यों वाले जी? सही, बिल्कुल सही है, हर जगह डस्टबिन रखी गई है, 50 मीटर 20 मीटर डस्टबिन रखी हुई है, आप कच्चे बलियान आप जा सकते हैं, बाकी जो भी आपकी सामग्री फेंक रहे हो वो पन्नी जैसे कुछ हो गया और जा सकते हो। बिल्कुल भाई, जैसे देखो ये पन्नी है, ये पन्नी यहाँ पे गेर दिया है, एक यहाँ पे पड़ी है, तो ये गलत है भाई, इसको सही जगह गिरे, जो इसकी जगह है वहीं पे गिरे इसको, मतलब डाले, जो ये कुवाड़ा है ऐसे पड़ा अच्छा नहीं लगता। तो साफ सफाई का हम सबको ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो हम देखिए हरिद्वार बहुत अच्छी तरीके से सज चुका है, ये देखिए पीछे लाइट आप देख सकते हैं कितना अच्छा वहाँ पर सजावट की गई है। भाई वालिया जी कुछ बोल रहे थे, हम एक बार 2019 में हरिद्वार आए थे कावड़ के, उसमें जल भरने हमें लगभग 4 घंटे लगते यहाँ पे सफाई की थी, इस टाइम हमने कच्चे बलियान उठाए थे, याद हो आपके? याद है, बिल्कुल याद है, वो वीडियो हम शायद नहीं बना पाए उस वक्त, मैंने शायद ब्लॉग भी मैंने शूट नहीं की थी, बट ये फेसबुक पे लाइव आए थे, अब लाइव पता नहीं वो वीडियो कहाँ पर चली, बट ये हमने उस वक्त जल चढ़ाने से पहले हमने वहाँ पर जाके कच्चे बलियान जो भी पड़े थे इतने सारी, मतलब इतनी संख्या में पड़े थे पूछो मत। पहले सबसे हमने जाके वो साफ सफाई की वहाँ पर जाके, फिर जाके हमने जल भरा। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा पानी हो चुका है, ये मेरे को लग रहा है यहाँ पर ना पैडी साफ की गई है, अभी मैं बिल्कुल पास जाके फिर दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब आप ऊपर रोड से आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ये चीज कितनी
अच्छी तरीके से सजावट के साथ बनाई गई है। ये देखिए, जिसको रेलिंग बोलते हैं। और यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं सामने, ये देखो, ये देखो इतना क्लीन है कि मतलब मैं भी सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हूँ। तो ये भक्तों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज करने के लिए आपके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये बुजुर्ग लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर वो बैठ के नीचे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमें रिशु भाई ने बताया कि ये बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, तो बहुत अच्छी सुविधा करी गई है। अभी यात्री तो बहुत कम है, पर ये है कि देखो पत्थर भी चेंज हुआ है, यहाँ का चेंज हुआ। और ये देखिए, वाह वाकई में भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों वाले जी, कैसा लग रहा है? अभी तो बात पूरा चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल भगवा भगवा बिल्कुल। ये देखो ये देखो, यहाँ पर घसाई चल रही है, भैया घसाई कर रहे हैं। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एक छोटी सी वीडियो थी ये, मैंने थोड़ा आके दिखाया कि अभी काम चल रहा है, अभी काम लगभग एक महीना चलेगा, मानिए कि लगभग एक महीना काम चलेगा। एक महीने के बाद मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा और दिन में आऊंगा वीडियो बनाने, ठीक है? तो बस ये थोड़ा रात की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो हर बार की तरह जैसे वीडियो को प्यार देता हूँ, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।